बस बता कहाँ आया है भाई तू? क्या पहाड़ों में करने आया है? अल्लाह हाफिज़ पिज़्ज़ा। दोस्त के घर, तो उसके घर से ही बाकी सारे हमारे दोस्त आ जाएंगे, तो वहाँ से हम अपने मंजिल के लिए रवाना होंगे। कर लेते हैं ये हमारे प्यारे पठान। आज वो कल्चर डे भी है भाई आप लोगों का, आज हैप्पी कल्चर डे। की खाब बड़ा मजे का है क्या ये सर? भाई पता नहीं जो भी लाल बोटी है इधर रोटी है सादे खाई जा। चले भाई ठीक है। अब इतना आराम ये तो क्या कर क्या चलता है उसको देख के वो फिर ये क्या हरकत है? वही ना, इसने मुझे ये देख के मेरा सारा छावा लड़प लिया। लोरिया उड़ा लुपड़ू ओरा के मुसाफिर चंदा तो बताते मेरा कसूर क्या है तो फैसला सुना दे। अल्लाह मेकअप हम डाल लेंगे बस। अभी हम घर से निकल रहे हैं। तिनियत कहाँ जा रहे हैं हम? आप बताएं हम कहाँ जा रहे हैं? हम मुझे खुद ही नहीं पता यार। हम नाना मेरा नाम है रौफ नाना। उठो नाश्ता करना है। अच्छा बस अभी हम पहुंचे, बाकी दोस्त होटल के अंदर चले गए नाश्ता करने आए हैं। काफ़ी देर से हम वैसे ढूंढ रहे थे कि कोई नाश्ता स्पॉट हमें मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। आगे वाले सारे बंद थे और ये जगह तकरीबन खागान से थोड़ा पहले है और मज़ेदार सी जगह है कुनार व्यू होटल। ये व्यू भी मज़ेदार है और इंजॉय भी हम कर रहे हैं साथ साथ। नाश्ता वगैरह करके फिर आपको बताएँगे। कहाँ पे पहाड़ों में जाके वहाँ पे वो जंग करते हुए घोड़ों में भाई ये जट जो था जट था ना चढ़ के पहाड़ से चढ़ गया तले आ गया राजपूत आ गया जट गया चलता होता
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਹੋ ਰਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹਮਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਯਾਦਗਾਰ ਤੋ ਰਹਾ ਹਮਾਰਾ ਬਾਕੀ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬੁਰਾ ਹੋਤਾ ਜਾਤਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਹਮ ਆਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੋਏ ਪਾਵਰਫੁਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਪਲੇਸ ਜਾਨੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਬਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਯਾਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਭਈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਆਰਗਿਊ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ मतलब अच्छा नहीं था लेकिन अच्छा था लेकिन फिर भी अच्छा नहीं था खैर वी आर ट्राइंग टू मेक इट गुड यस 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 अच्छा सबसे पहले तो सीन में कैमरा सेट कर दूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छा व्यू तो अच्छा आ रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले मुद्दा ये है कि लाहौर में हम यहाँ सुबह तकरीबन 12 बजे के करीब पहुँचे थे 12 एक बजे के बाद। तो उसके बाद जुमा था नमाज वगैरह और इधर उधर फ्रेश होने के बाद फिर थोड़ा हम सो गए तो अभी 4 बजे हैं फिर हम उठें। ये व्यू आप देख रहे हैं कितना मज़े का होटल है। बालाकुंडी तकरीबन नारान से 15 या 20 किलोमीटर के दरमियान में है। तकरीबन वही रास्ता ज़ाहरी बात है थोड़ा ख़राब वगैरह है तो कितना टाइम हमें लगा, हमें तकरीबन 50 मिनट 40 मिनट लगे लेकिन मज़े का था। तो बालाकुंडी में आके बाद हमने डिसाइड नहीं किया था कि हम कहाँ जाएंगे कौन से होटल जाएंगे। तो उससे पहले हम क्या कहते हैं एक दो होटल और भी पता किया तो वो हमारे स्टूडेंट बजट में नहीं थे क्योंकि वो ज़्यादा पैसे ले रहे थे। तो हमने एक दूसरा होटल किया जो पर नाइट हमें 2000 कर रहा था। ठीक है होटल भी काफ़ी मज़े का है, व्यू आप देख रहे हैं ये अभी मैं छत पे खड़ा हूँ, मज़ेदार है, एंजॉय भी हम कर रहे हैं। अच्छा रास्ता बड़ा मज़े का था, पूरा रास्ता दरिया कुनार के मतलब हम दाएँ और बाएँ तरफ आते रहे और मज़ेदार इंजॉय भी करते रहे साथ साथ। सफ़र का भी हमने काफ़ी मज़ा किया और बिल्कुल ये पहाड़ों के दरमियान है आप देख सकते हैं। इधर से हम आए थे और यहाँ से पता नहीं आगे कहाँ जाता है तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि कहाँ जाता है। अच्छा अभी हम जा रहे हैं जो बाटाकुंडी का बाज़ार है वो आपको दिखाएंगे। बाटाकुंडी का जो बाज़ार है वो एक छोटा बाज़ार है जो मतलब अभी 1 या 2 साल मतलब उसको हुए हैं ग्रो किए हुए, पहले खाली ऐसी जगह थी, अब यहाँ काफ़ी रश पे गया है क्योंकि टूरिस्ट का जो कल्चर है यहाँ और ज़्यादा डेवलप्ड होता जा रहा है। तो लोग होटलें बना रहे हैं, रेस्ट हाउस बना रहे हैं, गेस्ट हाउस बना रहे हैं। तो ये काफ़ी मज़े की जगह, वैसी मज़े की है, वादियाँ हैं, खूबसूरत है, पहाड़ हैं, ग्रीनरी है। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम मामा, ये कौन सी जगह है? ये बाटाकुंडी। बाटाकुंडी तो भैया आप कब से ये काम वगैरह कर रहे हैं यहाँ बाटाकुंडी में? 4-5 साल से। यहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो कैसे फिर आप लोगों को लगता है, सही है? वो सही है, ज़बरदस्त है, लोगों के साथ हमारा कारोबार मंसले के बिल्कुल लोग हैं तो आपका कारोबार है बिल्कुल। और ये बाकी इधर से आगे कौन सी और जगह है जो नज़दीक है और प्यारी वगैरह जगह है? जलखंड है, लुलसर है, उसके बाद बाबूसर टॉप है, नूरी टॉप है। अच्छा अच्छा चलो माशाल्लाह। ट्राई करो मामा। मामा ये ले लें यहाँ से, ये मामा की दुकान है, जब भी बाटाकुंडी में आए तो मामा के पास ज़रूर आएँ, पकौड़े वगैरह मामा बेचते हैं, चाय वगैरह भी काफ़ी मज़ेदार है। और शेमरी मामा हमारे बाटाकुंडी में भी कोयटा होटल है
उसके पकोड़े वगैरह हमने खाए, चाय वगैरह तो टेस्ट नहीं किया लेकिन पकोड़े काफी मजे के थे। तूबा अकेले अकेले यार पानी पीना है, पानी तो हमने उधर पिया है मामे से। चीनी किधर है? चीनी डाल भाई, चीनी दे दे राजू भैया। इंसानों का रिएक्शन होता है, फूड का नहीं होता। सुबह आपको मुझे पता है बड़ी भूख लगी हुई, आप ला देते ही। तो जाओ उसको बुलाओ, न माने तो उसको डांट भी लगाओ। आहा। मेरा रात का खाना नहीं खाना, 2 घंटे बाद खाना खाना। अच्छा अभी हम आते हैं ये कुनार जो नहर जा रही है यहाँ पे, देख सकते मज़ेदार आवाज़ और मतलब सब कुछ बहुत प्यारा है। और तकरीबन मगरिब होने वाली है और अंधेरा भी छाने वाला है। अभी हम जाएंगे, बिजली भी आ रही है और हमें थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मोबाइल्स वगैरह कैमरे वगैरह चार्ज वगैरह भी करने हैं क्योंकि सुबह से हमने किए नहीं थे। बाकी ये देखिए बकरियाँ वगैरह भी जा रही हैं, क्या कहते हैं गिर ना जाए। हमें आज का सीन ये था कि आज काफ़ी हमने इन्जॉय किया कुनार, दरियाए कुनार के किनारे जो हमारी सड़कें चल रही थी उधर हमने एंजॉय भी किया और साथ साथ क्या कहते हैं ये बाटा कुंडी को एंजॉय भी किया। मैं नीचे देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अभी आरसीसी स्लैब उन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा मुश्किल है इस वजह से। बाकी चीज़ें काफ़ी मज़ेदार हैं।